ग्रेविटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि एक्सीलरेशन ग्रेविटी का वैल्यू आप जानते हैं, ट्रू वैल्यू जो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लैब में कंपाउंड पेंडुलम से स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका वो पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, आपको कभी आएगा 8.9, कभी आएगा 9.4, कभी आएगा 9.6, एग्जैक्टली आपका ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकता। रेयर केस में आपका कभी काल को ऐसा शो कर देता है, नहीं तो आपका आता नहीं है। तो यही बोल रहा है कि जो उनके पार्टिकुलर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच एग्रीमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी क्या होगा, जो आपका मैं यहाँ पे निकाल लिया, जैसे ट्रू वैल्यू आपका जी का कितना ट्रू वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम इसका फिजिक्स लैब में कंपाउंड पेंडुलम से इसका एक्सपेरिमेंट किया तो जी का वैल्यू फर्स्ट टाइम हमको मिला क्या 9.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड टाइम किया तो जब रिपीट किया नेक्स्ट टाइम तो उस कंडीशन में हमको 8.91 मीटर पर सेकेंड आया। और वहीं पे थर्ड टाइम अगर हम किया तो G इक्वल टू आ गया आपका 9.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो हम इन दो पार्टिकुलर वैल्यू है, दिस इज पार्टिकुलर वैल्यू एंड दिस इज ट्रू वैल्यू, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और ये आपका क्या है पार्टिकुलर वैल्यू है। तो इनके बीच अगर एग्रीमेंट की बात किया जाए तो यह एग्री किसको करेगा, इसको तो करेगा नहीं क्योंकि यह इसके करीब तो है नहीं, आपका 9.14 भी इसके करीब नहीं है नियरली, जब भी करेगा तो 9.63 को ही करेगा एग्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी जो होता है एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट का पार्टिकुलर वैल्यू जो होता है ट्रू वैल्यू के जो क्लोजली होता है जिसको एग्री किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल सर है इसका। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो बोला सिग्निफिकेंट फिगर जो है करा दी रिलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इन इज इंडिकेटेड द रिलेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स ऑफ डिजिट यू टू रिप्रेजेंट इट। करा रिलेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ डिजिट यू टू रिप्रेजेंट इट टू एक्सप्रेस इट मोर accurately we express it with digit that are known with certainty, that are known with certainty, these are called significant figure, they contain all the certain digits plus one doubtful digit in a number। आपको हो सकता है कि डेफिनेशन इसका नहीं समझ में आया हो लेकिन मैं कह रहा हूँ कैसे इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपको बोल रहा है इसमें कि द रिलेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर, करा दी रिलेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय ए नंबर ऑफ डिजिट यूज टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, कारक जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो हमको कोई नंबर्स दिया रहेगा उसका जो रिलेबिलिटी होता है मेजरमेंट इंडिकेटेड बाय द नंबर्स इन डिजिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर्स यूज किए गए हैं वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं हम दूस फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दूस फॉर डिटरमाइनिंग दूस फॉर डिटरमाइनिंग
रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पिग्मी पिक एंड फिगर। तो पहला जो इसका फर्स्ट रूल है करा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। करा किसी नंबर है, कोई नंबर दिया गया है तो उसमें जितने भी आपको नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। और मैं आपको बता दूं, डिजिट दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, फर्स्ट जीरो डिजिट एंड सेकेंड नॉन जीरो डिजिट। जीरो डिजिट में आपका जीरो केवल आता है, नॉन जीरो डिजिट में वन टू नाइन तक आते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट जो रूल थे इसका है वो बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें, इसका जो एग्जाम्पल ले रहे हैं 6.9 जो है हाईएस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, हाईएस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। और यही पे हम बात कर लें 235.61, तो इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितने, 1.345 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितने होंगे 5। ठीक है, आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके टोटल, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हम इसी तरह और पहला रूल हो गया, सेकेंड रूल जो है ये तो बताया गया, मतलब आपको ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और सेकेंड आपको बोला जा रहा है कि ये जीरो बिकम सिग्निफिकेंट लाइफ बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। करा के कोई जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है, कब सिग्निफिकेंट बोलेंगे, जब वह जीरो जो है किसके बिटवीन हो, नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन हो। वो आपका 1-0 भी हो सकता है, 2-0 हो सकता है, या जितने भी जीरो, वो अगर नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन है तो उस कंडीशन में वो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैं बात कर लू यहां से, फॉर एग्जाम्पल 6.0035, अगर इस नंबर्स में हम पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर तो आप आंसर देंगे, क्योंकि 6 और 3 हमारे नॉन जीरो डिजिट है, इसके बिटवीन लाइट्स क्या कर रहा है, 0-0, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ये तो आपका सेकेंड रूल रहा। ठीक है, अब थर्ड रूल की बात करते हैं, 0 एट द बिगनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। करा किसी भी नंबर्स के बिगनिंग पे अगर 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड है, जैसे 0.00631, अब कह दिया जाए इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इसका जवाब देंगे क्या, 1, 2, 3, केवल 3 होंगे, क्योंकि बोला है बिगनिंग 0 एट द बिगनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें केवल आपका नॉन जीरो से पहले, मतलब किसी नंबर के बिगनिंग से पहले अगर हमारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये नंबर्स है और स्टार्टिंग उसका कहाँ से हुआ है, बिगनिंग 0 से हुआ है, तो जितने आपके जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे कि अगर जो जीरो करा कि यदि हमारा जो जीरो है वो आपका राइट साइड में प्लेस्ड किया हो किसी नंबर्स के, तो आपके वो जीरो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें 4, यहाँ पूछिए 6.3500, तो आपसे पूछा जाए इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इसको काउंट करेंगे, इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, क्योंकि यार राइट साइड के जो जीरो होते हैं किसी नंबर्स के राइट साइड में अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके क्या है, जीरो राइट किया गया है, तो उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी आपका 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब एक होता है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कोई नंबर्स दिया गया
तो उस कंडीशन में हम सिग्निफिकेंट किसका देखते हैं, न्यूमरल जो वैल्यूज होता है। जैसे हम कहते हैं 6.354 इंटू 10^4 करते हैं और कहते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप यहाँ के प्योर न्यूमरल वैल्यू का ही सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं, ना कि इसके एक्सपोनेंट 10^4 का करेंगे। मेन इसमें कितने होंगे 1, 2, 3, 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 4। अगर इसी टाइप में हम कह दें 0.006 × 10^-3 है, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2 होगा, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रहा था, जो थर्ड रूल में बताया उसको, तो यहाँ पे आपका 2 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, एक क्लियर समझ में आ गया होगा मतलब डिफिनेशन, अब डिफिनेशन भी यहाँ क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं फिगर। अब हम बात करेंगे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गया, अब हम बात करेंगे आगे कि अगर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी जैसे आपका राउंडिंग ऑफ में हम करते हैं, देन यहाँ पे भी अगर हमको करना है, सपोज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसमें ये बात हो रहा है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, हम दे देते हैं सपोज करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 21.83 और दूसरा नंबर लिख लिया है 18.0 और तीसरा नंबर लिख लिया है 1.631 और कह दिए इन नंबर्स को ऐड करिए, ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंट फॉर्म में आंसर बताइए, तो आप यहाँ से इन सबको सेम ऐड करेंगे, 1 आ गया, 3+3 = 6 हो गया, 6+8 = 14 हो गया, कैरी 1, 8+2 = 10, 1 = 11 हो गया, 2, 1, 3, 1 = 4 हो गया, मीन्स आपका आया कितना 41.461। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसका आंसर ये आपका नहीं होगा, जब ये आंसर होगा तो आप देखेंगे इसमें कौन से नंबर का, जो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जिसको ऐड करना है उसमें से देखेंगे सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका कितना, अगर देखें फर्स्ट नंबर का 1, 2, 3, 4 है और सेकेंड नंबर पे देखें तो इसका 3 है और फोर्थ नंबर का देखें तो 1, 2, 3, 4 है, तो सबसे कम इसमें किसका मिल रहा है आपका 18.0 का, इसमें 3 है, तो जब भी हम इसका आंसर राइट करेंगे उसका सिग्निफिकेंट कितना लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला नंबर शो कर रहा है 3, तो इसका हम जो आंसर लिखेंगे वो 3 सिग्निफिकेंट को ही शो करना चाहिए, मस्ट मीन्स 41.1। अब इसका राउंडिंग आपको, क्योंकि आप 6 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है, मीन्स 5। अब यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट देखते हैं तो इसको सिंगल मिलता है, इसके सिंगल है। सेम प्रोसेस आपका सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह करते हैं कि अगर इसको हमको मान लो 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों नंबर में हम पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि किसका सिग्निफिकेंट कम है, अब उसके बाद हम उस नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है तो उसके जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को शो कर रहा है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हम उसके आंसर को राइट करते हैं, ठीक है। और सिमिलर केस आपका, जैसे हम अगर बात करूं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, सेम फैक्ट वहां पे भी होता है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लीकेंट जो होता है उसमें से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लीकेंट में किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, जिसका कम होता है उसके बाद हम दोनों का मल्टीप्लाई, जो नंबर दे रहते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, अब प्रोडक्ट में हम क्या चेक करेंगे कि उसका टोटल सिग्निफिकेंट कितना शो कर रहा है, अगर वो मिनिमम वाले से अधिक शो कर रहा है तो हम क्या करते हैं उसका राउंडिंग ऑफ निकाल के उसके मिनिमम वाले के इक्वल कर देते हैं और वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो करेक्ट आंसर को शो करता है। सिमिलर इसी तरह आप डिवीजन का भी मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, अब सिग्निफिकेंट फिगर और डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट करा है रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसके बाद हमारा जो होगा
सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आपका हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस। क्या होता है अब मैं आपको डायमेंशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन एनालिसिस होता है क्या है व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। तो कह रहा है कि एनी नंबर्स इसको हम बोल सकते हैं कि देयर इज नीड टू कन्वर्ट रहा है कि देयर इज नीड टू कन्वर्ट वन यूनिट टू एनोदर यूनिट इन ए कैलकुलेशन इज नोन एज डायमेंशन एनालिसिस आर मेथड यूनिट फैक्टर मेथड आर फैक्टर लेबल मेथड। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमको एनी कैलकुलेशन कोई भी कैलकुलेशन करना है और उस कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं वन यूनिट को अदर यूनिट में चेंज करने की जो जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। तो इस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है करा देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग या इन कैलकुलेटिंग इज नोन एज फैक्टर लेबल मेथड आर यूनिट फैक्टर मेथड आर डायमेंशन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की सपोज करते हैं जो इंडियन वुमेन हैं उनकी हाइट जो होता है अप्रोक्सीमेट हमें अपना बता रहा हूँ सपोज कर लेते हैं इंडियन वुमेन की जो हाइट है 5 feet 2 inch है और इसको हमको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में तो हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे वन यूनिट से दूसरे यूनिट में देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अदर इज नोन एज डायमेंशन एनालिसिस आर लेबल ठीक है फैक्टर लेबल मेथड आर यूनिट फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। तो आप इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा मैं सबसे पहले बता दूं कि वन फुट जो होता है में कितना होता है 12 inch होता है ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो 5 feet 2 inch है इसको टोटली को कन्वर्ट कर लेंगे हम इंच में तो 5 feet 2 inch इक्वल टू 5 into 12 plus 2 inch मीन्स आ जाता है आपका 60 plus 2 inch और इसको जब काम करते हैं 62 inch आ गया। अब एक फैक्ट और बता दूं कि 1 inch में आपके कितने मीटर्स होते हैं 1 inch इज इक्वल टू 2.54 इंटू 10^-2 मीटर होता है 1 inch इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 1 centimeter में 10^-2 मीटर होता है इसको लिख सकते हैं 2.54 इंटू 10^-2 मीटर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इंच को इसमें SI में तो मीटर में होगा आपका तो इसके लिए हम क्या कर देंगे 62 into 2.54 into 10^-2 अब ये क्या लिख लेंगे मीटर और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल जाता है 1 point आपका ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.78 या समथिंग अप्रोक्सीमेटली आएगा कितना आएगा मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको
आपको आ जाए 1.58 आएगा। इसको मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 1.58 इंटू 10^2 माने 2 मीटर होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये तो आपका रहा मतलब जो आपका डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपका बच रहा है राउंडिंग। मतलब राउंडिंग फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गया, आपका प्रिसीजन हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस हो गया, अब बच रहा है राउंडिंग। ठीक है, राउंडिंग अगर हमको निकालना है तो इस कंडीशन में इसका भी रूल्स होते हैं राउंडिंग का, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है बहुत फास्ट में बताऊंगा आपको। दो चीज बताऊंगा, जैसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं 2.416 है, तो इसमें मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 और दूसरा कैटेगरी 5 का होगा और तीसरा कैटेगरी 6, 7, 8, 9 3 यहाँ पे केसेस होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है, जिस नंबर का हमको सिग्निफिकेंट निकालना है, जो नंबर्स है उसमें हम देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो मैं बता दूं अगर इसमें बिलोंग करेगा तो हम जो लास्ट डिजिट है उसके प्लेस पे 0 राइट कर देते हैं और उसका राउंडिंग क्या हो जाता है सिंगल, उसके पहले का डिजिट दूसरी तरह राइट कर लेते हैं और लास्ट वाले डिजिट के प्लेस पे 0 राइट कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे वाले के केस में अगर हमारा 5 अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो उससे पहले का जो डिजिट होगा वो चेक करते हैं कि ऑड नंबर है और इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर रहता है तो हम उससे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं और 5 के प्लेस पे 0 राइट कर देते हैं और इसके पहले के जो नंबर होते हैं प्रीसीडिंग नंबर उसको सेम टू सेम उसी तरह राइट कर देते हैं। और और दूसरा केस कह रहा कि जब इवेन नंबर हो 5 से पहले जो डिजिट हो इवेन हो तो उस केस में वहां पे नो चेंज, कहने का मतलब वहां पे हम ऐड नहीं करते हैं, 1 इंक्रीज नहीं कराते हैं, सेम टू सेम उसके पहले के 5 से पहले के जो डिजिट्स होंगे टोटल उसी तरह राइट कर लेते हैं और 5 के प्लेस पे 0 राइट कर लेते हैं। और जो हमारा थर्ड है अब 8, 6, 7, 8, 9 है, लास्ट डिजिट 6, 7, 8, 9 है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज करा देते हैं और इन 6, 7, 8, 9 के प्लेस पे हम क्या करते हैं 0 राइट कर लेते हैं। जैसे हम पहले वाले पे जो पॉइंट है उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, मान लेते हैं कि हमको दे दिया 335.121 दे दिया गया 121, तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें।